वालेकुम। आज का टॉपिक है कंप्लेंट डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। अब रेलिवेंट लॉ सेक्शन 247 है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 247 सीआरपीसी क्या है कि डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, मजिस्ट्रेट जो है उसके पास पावर है कि 247 के तहत जो है वो केस को जो है वो डिसमिस कर सके। और दूसरा है कि ऑल इन नॉन कॉग्निजेबल और कंपाउंडेबल ऑफेंस, कि ये सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल नाकाबिले दस्तानदाज़ी और काबली राजीनामा जो जुर्म है उसमें ही इस पावर को इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर तीन है कि सेशन कोर्ट हैज़ नो सच पावर टू डिसमिस द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 247, कि सेशन पावर कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो 247 के तहत किसी कंप्लेंट को डिसमिस कर सके, क्योंकि कानून में ये है कि यहाँ पर लॉ में जो चीज़ प्रोवाइडेड है उसी तरह जो है वो केस का फैसला किया जाएगा। अब देखेंगे वेयर द, चौथा है कि वेयर द फैंस ऑफ विच अक्यूज इज चार्ज इज इधर कॉग्निजेबल और नॉन कंपाउंडेबल, द कोर्ट कुड नॉट डिसमिस द कंप्लेंट ऑन नॉन अपीयरेंस, कि वो कहता है कि वेयर द ऑफेंस ऑफ विच अक्यूज इज चार्ज इज इधर कॉग्निजेबल, अगर वो जुर्म जिसमें मुल्ज़िम को चार्ज किया गया है वो काबिल दस्तानदाज़ी और नाकाबिले राजीनामा हो तो उसमें कोर्ट जो है वो 247 के तहत अगर मुस्तगीस ना आ रहा हो तो उसको डिसमिस नहीं कर सकती। रेफरेंस इसमें है 2022 PCRLJ 913 बलोचिस्तान। देखें कि अगर मुकदमा किसी अदालत में मुल्ज़िम को बरी करता है इस 247 के तहत, तो उसके बाद जो है उसमें अगर वो नहीं आता मुस्तगीर तो अदालत उसको बरी करेगी, तो उसके ख़िलाफ़ क्या रेमडी है? उसके ख़िलाफ़ रेमडी जो है वो 417 CRPC के तहत हाई कोर्ट में है। यानी कोई भी एक्यूटल हो, 249 के तहत हो, 245 के तहत हो, 247 के तहत हो, 265H के तहत हो, 265K के तहत हो, तो उसमें क्या होगा? उसमें अपील होगी हाई कोर्ट में। और केस लॉ इस पर है कि काबिल दस्तानदाज़ी और नाकाबिले राजीनामा जुर्म में 247 ज़वाब फिर लागू नहीं होता, 1999 PLD 400 लाहौर। अब अगर अदालत जो है वो CRPC 247 के तहत इस्तगासा डिसमिस करके मुल्ज़िम को बरी कर दे, फिर दूसरी बार वही इस्तगासा जो है वो मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल जो है वो 13 कॉन्स्टिट्यूशन 403 CRPC और जनरल क्लॉज़ एक्ट का सेक्शन 26 इसको बार करता है। इस पर 2012 PCRLJ 581 लाहौर जो है उस पर के इसमें जजमेंट है। तो देखें कि कोई भी एक होटल होगा, किसी किस्म का भी एक होटल हो, उसके खिलाफ अपील होगी। दूसरा ये है कि 247 जो है ये सेशन कोर्ट जो है, क्योंकि ये ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो लेसर हीनियस होते हैं यानी नॉन कॉग्निजेबल होते हैं और कंपाउंडेबल होते हैं, तो इस तरह के केसेस जो सेशन कोर्ट में नहीं जाते, तो अगर सेशन कोर्ट ऐसा अख्तियार इस्तेमाल करते हैं 247 के तहत जो है वो कंप्लेंट डिसमिस करती है, तो ऐसा फैसला जो है वो इल्लीगल।